नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। असम में तूफान और बारिश से 14 लोगों की गई जान, हजारों की संख्या में घर हुए क्षतिग्रस्त। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, ई संजीवनी से ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती स्वास्थ्य सेवा हुई सुलभ। फिर बढ़े विमानों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले ATF के दाम, महंगा होगा हवाई सफर। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रूस से हेलीकॉप्टर सौदा टला, वायुसेना लेने जा रही थी 48 MI-17 V5S हेलीकॉप्टर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी बोर्डिंग स्कूल में लड़की की मौत की CBI करेगी जांच। कोरोना के बढ़ते मामले देख सीएम योगी आदित्यनाथ का NCR क्षेत्र के शहरों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश। अहमद मुर्तजा अब्बासी को गोरखपुर कोर्ट में पेश करेगी ATS, देगी रिमांड बढ़ाने की अर्जी। दिल्ली में पथराव की घटना के बाद यूपी में भी हाई अलर्ट, हर छोटी घटना को पूरी गंभीरता से लेने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अन्न के रखरखाव की चिंता, बोले बेहतर हो खाद्यान्न। उत्तर प्रदेश में 48 घंटे बाद एक और प्रशासनिक फेरबदल, 3 DM सहित 6 IAS अफसरों का तबादला। जिंदा रहना है तो हथियार डाल दे जान, बख्श दी जाएगी रूस का मारिपोल में लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को अल्टीमेटम। रूस के कब्जे में आया यूक्रेन का पहला बड़ा शहर, खार्किव समेत 8 शहरों में लगी बम मिसाइल की झड़ी। राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और महाभियोग पर चर्चा के लिए विपक्षी दल की अहम बैठक। ट्यूनीशिया तट के पास तेल से भरा जहाज डूबा, पर्यावरणीय आपदा को लेकर जताई जा रही चिंता। सत्ता गंवा चुके इमरान खान ने अमेरिका पर लगाए आरोपों से लिया यूटर्न, कहा वो भारत, अमेरिका और यूरोप समेत किसी भी देश के खिलाफ नहीं। CSK और गुजरात के मैच में 2 नए कप्तानों की होगी परीक्षा। लगातार 4थी जीत दर्ज करना चाहेंगे सनराइजर्स और पंजाब किंग्स। KL राहुल ने धमाकेदार शतक से सचिन और सहवाग को छोड़ा पीछे, रच दिया इतिहास। मुंबई की शर्मनाक हार के बाद अंक तालिका में बदलाव, लखनऊ की टीम पहुंची दूसरे स्थान पर। चार साल बाद होगा IPL में क्लोजिंग सेरेमनी का कार्यक्रम, BCCI ने जारी किया टेंडर। आलिया रणवीर के रिसेप्शन में जुटे सितारे, गौरी शाहरुख खान करण अर्जुन मलाइका ने जमाया रंग। कृति सेनन और कार्तिक आर्यन ने मॉरिशस को कहा गुड बाय, खत्म की शहजादा के शेड्यूल की शूटिंग। KGF 2 की सुनामी में बहा बॉक्स ऑफिस, तीसरे दिन की भी ताबड़तोड़ कमाई। सुखविंदर सिंह ने लॉन्च किया श्री हनुमान चालीसा, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से है ये खास नाता।
आर माधवन के बेटे वेदांता ने डैशिंग ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।